देख रहे हैं 24, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसिया और मैं हूं निकल शेख। खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। श्रीनगर जनपद में लॉकडाउन के दौरान मतगणना परिसर के आसपास भीड़भाड़ व आवागमन रहेगा प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत होगी कार्यवाही। श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों, मतगणना अभिकर्ताओं, पास धारक व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों को रहेगी छूट, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। कुशनगर पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव 2021 मतगणना स्थल संबंधी दिया महत्वपूर्ण निर्देश। मतगणना स्थल से 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रत्याशी और पब्लिक आदि के वाहन नहीं होंगे खड़े और बिना मास्क भी रहेगा प्रवेश वर्जित। मतदान कर्मी, अभिकर्ता व पास धारक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का भी रहेगा प्रवेश वर्जित। विजय जुलूस निकालना भी है पूर्णतः प्रतिबंधित। मतगणना स्थल के आसपास भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भीड़ लगाएगा तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने एवं उपयोग का नहीं होगी अनुमति। उत्तर प्रदेश के कुशनगर में पडरौना नगर के युवा समाज सेवी अंकित लोहिया को कोरोना ने बनाया शिकार, हुए मौत। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान नगर क्षेत्र मिर्जापुर में भ्रमण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, संबंधित को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार से सिवान के आरजेडी के पूर्व सांसद को कोरोना ने बनाया शिकार, हुई मौत। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को किया ब्रीफिंग। खबरें फटाफट में बस इतना ही, फिर मिले कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।